अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वेलकम टू माय चैनल नाजरीन आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ इन टिप्स के इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे वही काम अब आपका मिनटों में हो जाएगा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए ऐसी टिप्प आपने पहले कभी नहीं देखी होगी तो यहाँ पर मैंने एक कलरफुल पेपर लिया है इस पेपर को काट कर मैं इसके दो हिस्से कर लूंगी इस तरह से हम इसको फोल्ड करके दरम्यान से काट लेंगे अब हम लेंगे एक स्टिक ये मैंने झाड़ू का एक स्टिक लिया है अब मैं इस स्टिक को पेपर में रख कर पेपर को रोल करूंगी ये बहुत आसानी से रोल हो जाएगा और फिर मैं इसके आखिरी सिरे को ग्लू गन के साथ जोड़ लूंगी आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि जब आप इसको बनाने लगे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको रोल कर लिया है अब हम इस तरह के और भी रोल बनाएंगे बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक बनाया था तो ये देखिए हमने कितने सारे रोल बना लिए हैं अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे फिर हम एक और पेपर लेंगे इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे ये मैंने दो कलर के पेपर लिए हैं एक जिससे स्टिक्स बनाई थी और एक ये अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पेपर पर गिलास को रख कर गोल दायरा बनाएंगे बाल पॉइंट के साथ अब हम इसको गोल शेप में काट लेंगे सीजर के साथ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस पेपर को गोल शेप में काट लिया है अब हम इनको अंदर की तरफ से भी कट करेंगे आपने इसको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ फिर आपने भी ऐसे ही करना है तो ये देखे हमने इसकी अंदर से भी कटिंग कर ली है और ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है अब हम इसके शुरू वाले पार्ट को पकड़कर इसको फोल्ड करेंगे इसी तरह से आपने बहुत से फ्लावर बनाने हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको फोल्ड कर लिया है अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को ग्लूगन के साथ जोड़ लेंगे तो ये देखिए हमारा जबरदस्त सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है इसी तरह से हम बहुत से फ्लावर बनाएंगे तो ये देखें कितने सारे हमने फ्लावर बना लिए हैं अब हम लेंगे वो स्टिक जिसको हमने पेपर के साथ रोल करके बनाया था अब हम इस तरह से फोर स्टिक को नीचे रखेंगे और फिर इनके ऊपर एक एक स्टिक को रखते जाएंगे और इनको गन के साथ चिपकाते जाएंगे इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को चिपका लेंगे तो ये देखिए हमने सारी स्टिक्स को आपस में जोड़ लिया है अब हम एक एक फ्लावर को इनमें रखते जाएंगे एक एक पार्ट को छोड़कर और ग्लू गन के साथ इसको चिपकाएंगे इसी तरह से हम सारी स्टिक पर फ्लावर लगाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन स्टिक्स पर सारे फ्लावर लगा लिए हैं अब हम लेंगे एक शाइनिंग वाला पेपर इसको ग्लिटर वाला पेपर भी कहते हैं इसको हम चुकोर शेप में काट लेंगे इसके हमने बहुत छोटे छोटे से पीस काटने हैं अब हम इनको भी स्टिक के ऊपर लगाएंगे जहाँ पर हमने जगह छोड़ी थी इसी तरह से हम सारे स्टिक पर इनको लगा लेंगे अब हम लेंगे एक छोटा सा रस्सी का पीस इसको हम इसके बैक साइड पर ग्लू गन के साथ लगाएंगे तो ये देखें नाजरीन हमारा जबरदस्त सा वॉल डेकोरेशन पीस बनकर रेडी हो चुका है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है आप भी इस तरीके से घर में डेकोरेशन पीस बनाएं और अपने घर को सजाएं। इससे आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा आप भी लाजमी ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100 परसेंट मिलेगा तो यहाँ पर मैंने ली है सीजर बहुत से लोगों ने पूछा है कि सीजर को शार्प करने के बारे में कोई टिप बता दें। तो सीजर को शार्प करने के बारे में आज मैं आपको दो टिप्स बताऊंगी जो दोनों ही 100% काम करेंगी तो इसके लिए पहली टिप ये है कि इस तरह के मेडिसिन के रैपर हम मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं लेकिन मेरी ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे अब हम सीजर के साथ इनकी कटिंग करेंगे आपने मेडिसन के रैपर के बिल्कुल छोटे छोटे से पीस करने हैं ये अल्मोनियम के रैपर होते हैं जब भी आपने कैंची को शार्प करना हो तो इस तरीके से अपनी सीजर को शार्प करें। आपकी सीजर काम करने लग जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेडिसन के रैपर को हमने कट कर लिया है हमारी सीजर भी काम करना शुरू हो गई है दूसरी टिप भी मैं आपको इसी कैंची पर अप्लाई करके दिखाऊंगी तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे अल्मोनियम फॉइल का पीस इसको हम अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी एक बाल बना लेंगे अल्मोनियम फॉइल को जिस मर्जी शेप में फोल्ड कर लें ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अल्मोनियम फॉइल की बाल बना ली है अब हम इस बाल को कैंची के साथ कट करेंगे इस तरह से एक से दो मिनट कट करने से आपकी कैंची शार्प हो जाएगी आपने इस अमल को बहुत एहतियात से करना है ताकि ये आपके हाथ पर ना लग जाए अक्सर हम बाजार से कैंची को शार्प करवाते हैं जिससे हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन इन तरीकों पर अमल करके आप अपने बहुत से पैसे खर्च होने से बचा सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बाल को कट कर लिया है हमारी सीजर भी शार्प हो गई है अब आप इससे जो चीज़ मर्जी कट करें ये बहुत आसानी से हर चीज को काट लेगी ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी तो इसके लिए हम लेंगे एक साबुन साबुन आपने वो लेना है जिसके साथ आप फेस वॉश करते हैं मतलब ये कि साबुन आपने अच्छे वाला लेना है अब हम इस साबुन को ग्रेट करेंगे साबुन को आपने बारीक ग्रेट करना है मोटा ग्रेट नहीं करना तो हमने साबुन को ग्रेट कर लिया है ये तकरीबन टू टेबल स्पून है अब हम इस साबुन को एक बाउल में ऐड करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे जौ का आटा जौ का आटा भी हम इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून जौ का आटा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है अब हम इसमें डालेंगे दही वन टेबल स्पून दही स्किन को यंग बनाता है सॉफ्ट बनाता है और ये दाग धब्बों के लिए भी बहुत बेस्ट है अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ये भी स्किन से दाग डब्बों और कील मुहासों का खात्मा करती है अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी आपने इतना डालना है कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए ये ऐसा जबरदस्त पेस्ट है जो स्क्रबर और फेस वॉश का काम करेगा ये आपकी स्किन को सॉफ्ट नर्मो मुलायम दाग धब्बों और कील महासों से पाक कर देगा इससे आपका कलर भी बहुत फेयर हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ ब्रश के साथ और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपने इसको रात को सोने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना है उसके बाद आपने साबुन या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना पंद्रह मिनट के लिए इसको अपने फेस पर लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी मुंह धो लें और हफ्ते में सिर्फ तीन बार इसका इस्तेमाल करना है तो हमने इस पेस्ट को अपने हाथ पर अप्लाई कर दिया है अब मैं पंद्रह मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये खुश्क हो जाए फिर मैं हाथ धोकर आपको दिखाती हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने हाथ को धो लिया है और आप ये भी देख सकते हैं कि एक दफा के इस्तेमाल से हमारा हाथ कितना फेयर सॉफ्ट और शाइनी हो गया है आप बगैर किसी टेंशन के इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई नुकसान हो आप भी लाजमी एक बार को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100 परसेंट मिलेगा खाने के बहुत से जर्रे इस जाली में फंस जाते हैं जिसकी वजह से इसमें जम्स वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो इस जाली को जम से बचाने के लिए हम इस जाली को गैस स्टव पर रखेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे एक से दो मिनट आपने इस जाली को जलाना है ऐसे करने से आपकी जाली को कोई भी नुकसान नहीं होगा आप बगैर किसी टेंशन के इस टिप को फॉलो कर सकते हैं इस तरह करने से जो खाने के जर्रे इसमें फंसे होते हैं वो जल जाते हैं बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है आपने इसको फोक या फिर रोटी वाले चिमटे के साथ पकड़कर इसकी साइड चेंज करनी है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से जला लिया है इसमें से सारे खाने के जर्रे जल गए हैं और ये जम्स वगैरह सभी भी पाक हो गई है आपको चाहिए कि आप हफ्ते में लाजमी एक बार स्टिप को फॉलो करें इससे आपकी स्टील की जाली तमाम जम्स से पा...